नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम कहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं क्योंकि आपने मेरे लास्ट वीडियोस पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उसके बाद आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि के सीज़न में बहुत सारे लोग व्रत का पालन करते हैं और इस व्रत से रिलेटेड आज मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बनने में बहुत आसान और बहुत पौष्टिक है, यह आपको लंबे टाइम तक फुल भी रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक चम्मच घी। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं। मैंने लगभग सवा चम्मच घी का ले लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूँगा हमारी कच्ची मूंगफली। इस कच्ची मूंगफली को हम लोग 4-5 मिनट भून लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। बस उतना हमें इसे भूनना है, थोड़ा कलर इसका डार्क हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं भूनता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि हमने इसको कैसा भून के कलर लेना है। लीजिए दोस्तों, हमारी मूंगफली भून के तैयार है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे हींग। हींग के साथ ही इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा हम लोग चला देते हैं ताकि हमारा ज़ीरा और हींग थोड़ा सा पक जाए। मीडियम आंच पे आप इसे चलाइए और इसे पका लीजिए। ये आ गई हमारी थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी भी बहुत फ़ायदेमंद है और इसका अपना एक फ्लेवर भी होता है। तो हमारी हींग पक चुकी है, अच्छी खुशबू आने लगी है उसमें से पकने की। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसमें हम लोग थोड़े बेसिक मसाले ऐड कर देंगे। एक हो गई हमारी हल्दी, थोड़ी हो गई हमारी कश्मीरी मिर्च और थोड़ा धनिया पाउडर। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये हो गया मिक्स। अब इस रेसिपी की मेन इंग्रेडिएंट यानी उबले हुए आलू। ये आ गए हमारे उबले हुए आलू। इन्हें मैंने लगभग 4 सीटी देके पका लिया था। ये अच्छे से प्रॉपरली बॉइल्ड है प्रेशर कुकर में। ज़्यादा कुक करेंगे तो ये टूटने लगेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। 4 सीटियाँ बहुत होती है मीडियम साइज़ के आलूओं के लिए। यह हमारा मसाला अच्छे से लग गया है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा सेंधा नमक। यह आ गया हमारा सेंधा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप अगर नॉर्मल सॉल्ट खाते हैं तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। यह हमारा नमक भी मिक्स हो चुका है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी अमचूर, खटाई भी होनी चाहिए। आपको ये मसाले ज़्यादा लग रहे होंगे बट यकीन मानिए ये ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग बॉइल्ड आलू के साथ में इनको मिक्स कर रहे हैं और बॉइल्ड आलू टेस्ट में थोड़े ब्लेंड होते हैं। बेटर है आप मसाले अकॉर्डिंगली ऐड करें। देखिए सब कुछ अच्छे से कोट हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, इसे 2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि स्टीम में मसाले रच जाएं। तो उसे 2.5 मिनट हो गए हैं, मैं इसे खोलता हूँ। हमारा आलू स्टीम में पक गया है। अब इसमें थोड़े करी पत्ते, खूब सारा धनिया और
हरी मिर्च, ये मिक्स करें अच्छे से। बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी। ये जो ऊपर से डली हुई चीज़ों का कच्चा कच्चा फ्लेवर है, ये इस डिश की यूएसपी है। तो आप ट्राई करके देखिए, आपको मज़ा आएगा। अगर आपको ये डिश अच्छी लगे, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, खुश रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।